गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा लेकर आई है फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें बेसिकली हम अपने हिप्स को और अपने एब्स को बहुत टारगेट करने वाले हैं। यानी अगर आपका लोअर टमी है या फिर अपर टमी है या फिर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा फ्लैटन है या फिर उनके ऊपर ज़्यादा फैट है, डेफिनेटली एक्सरसाइज हर चीज़ को अच्छा करती है। मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी को ना एक प्रॉपर शेप देती है, बहुत अच्छा। तो ट्रस्ट मी, ये वाला वर्कआउट आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और रिजल्ट भी इतना विजिबल होगा कि आप खुद नोटिस करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट आप ही नहीं, आपके जानने वाले भी। तो देरी नहीं करते, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट है @IshaMehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से डंबल ले लेना है, ठीक है। डंबल ना हो तो वाटर बॉटल भी ले सकते हैं, डोंट वरी। आपने एक लेग को फोल्ड करना है, राइट लेग को, लेफ्ट को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। डंबल को आपने इस तरीके से या वाटर बॉटल को दोनों साइड से होल्ड करना है, देन डाउन जाना है, ठीक है। इससे आपके ग्लूट मसल पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपकी थाइस के बीच में अगर गैप नहीं है तो वो हो जाएगा, मतलब आपकी लेग्स को बहुत सुंदर शेप मिलने वाला है और इससे लोअर टमी भी आपका जाएगा। 20 टाइम्स को रिपीट करना है और 4 सेट्स करने हैं। रिलैक्स। अब सेम आपको अदर लेग पे करना है। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत है, नहीं तो वाटर बॉटल की, ठीक है। उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने शोल्डर पे वाटर बॉटल को या डंबल को होल्ड करना है। अपने दोनों लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करना है। अपनी लेग्स को इस तरीके से लाई डाउन करना है मैट पे, देन डाउन। तो 20 टाइम्स आप इसको रिपीट करेंगे और 4 सेट्स करेंगे। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए, ठीक है। अपने हैंड को अपने यहाँ पे प्लेस करना है साइड पे लेग्स के, और आपने 1 लेग को अप एंड डाउन करना है। अप डाउन डाउन जब आप करेंगे तो बिल्कुल मैट के साथ टच नहीं करेंगे, स्लाइटली सा आप रखेंगे, ये पोजीशन रखेंगे। जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं हमको बहुत स्लो मोशन में करना है। जब हम स्लो मोशन में उसको अप एंड डाउन लेके जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच आपकी टमी एरिया पे आता है। अगर आप फास्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्लो मोशन में आपको वर्कआउट करना है, राइट। 20 टाइम्स और इसे करने हैं 4 सेट्स। या आप टीवी देखते हुए, किसी से चिटचाट करते हुए भी बात कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइजेस। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए, ठीक है। और अब हम करेंगे अपनी अपर बॉडी के ऊपर स्लाइटली सा लिफ्ट। उसके बाद हम अपने हैंड से अपने पैरों के हील्स को टच करने का ट्राई करेंगे, या टोज को भी आप टच करने का ट्राई कर सकते हैं। आप लेग्स को इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा गैप आपने मेंटेन नहीं करना हिप और लेग्स के बीच में। अब हम क्या करेंगे, अपने हील को टच करेंगे 1 बाय 1। रिलैक्स। इसको 20 टाइम्स आपने रिपीट करना है और इसके करने हैं आपने 5 सेट्स। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने हिप के नीचे हैंड को प्लेस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपने लेग रेस करना है। अपनी दोनों लेग्स को आप ऊपर लेकर जाइए जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, देन डाउन, अप। ऊपर जा रहे हैं तो ब्रीथ आउट, नीचे जा रहे हैं तो ब्रीथ इन। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। मैं आपके लिए हर रोज कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।